आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक वायरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में काफी वायरल है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी, ए बी सी डी। ए बी जो साइड है, ये जो ए बी साइड है सी डी के पैरेलल है, ए डी साइड है बी सी के पैरेलल है, ई और एफ। ई है जो डी सी पर एक पॉइंट है, एफ है जो ए बी पर एक पॉइंट है, डी ई और ई सी, इन दोनों का रेशियो 1:2 का है। ए एफ और एफ बी का रेशियो 5:4 का है। ए एफ और एफ बी का रेशियो 5:4 का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ ई, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ, ये जो ए डी एफ ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसे करने के लिए कुछ बेसिक बातें जो हमें ध्यान रखना है। पहला बात तो ये कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल मेरा ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो तो साइड रेशियो एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं। जैसे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ठीक है, एक बात और याद रखना है कि अगर साइड रेशियो ए अनुपात बी का है तो एरिया का रेशियो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर पर होगा। तो साइड का जो अनुपात होगा उसके स्क्वायर पर एरिया का अनुपात डिपेंड करेगा। दूसरा बात ये याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया उसके बेस पर डिपेंड करता है। जैसे ये मान लो ये वाला साइड ए है और ये वाला साइड बी है, ये इस ट्रायंगल का नाम हम ट्रायंगल फर्स्ट रख लिए और ये जो ट्रायंगल ये है इसका नाम हम लोग ट्रायंगल सेकंड रख लिए। तो ट्रायंगल एक ट्रायंगल दो के एरिया का अनुपात होगा इन दोनों के बेस पे एरिया डिपेंड करेगा, यानी ए अनुपात बी होगा। तो दो बात याद रखना था, पहला बात ये कि एरिया जो है बेस पे डिपेंड करेगा और दूसरी बात कि जब ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो तो एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के अनुपात में होता है। तो इसी का यूज करके हम इस वायरल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी का जो लेंथ होगा वही लेंथ सी डी का होगा। रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये 3 इकाएं तो ये 9 इकाएं। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले पार्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो मेरा पार्ट है डी ई, ये मेरा 3 हो गया। ई सी पार्ट है वो मेरा 6 हो गया। ए एफ 5 इकाएं और एफ बी 4 इकाएं। अब हमें दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल डी ओ ई, देखो ट्रायंगल डी ओ ई, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, यहां पर हम बी ओ ए लिख लिए। इसलिए लिखे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर होगा। सिमिलर किस कारण से, जैसे देखो ये लाइन एक दूसरे के सिमिलर है, तो ये जो एंगल है एंगल ओ डी ई इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट पेयर से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये भी एंगल इक्वल हो गया। तो ये जो छोटा ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल डी ओ ई सिमिलर ट्रायंगल बी ओ ए। अब हम साइड रेशियो देखें तो इसका साइड 3 है और इसका साइड 9 है। तो इसका साइड रेशियो अगर हम डी ओ ई और बी ओ ए का देखें तो 3:9 यानी 1:3 है। तो इन ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 1:3 यानी 1:9 हो गया। यानी इसका एरिया अगर 1 वर्ग यूनिट हो तो इसका एरिया 9 वर्ग यूनिट होगा और इसका एरिया दिया हुआ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 27, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 9 × 27। तो हमें ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया पता चल गया 9 × 27। ठीक है, चलिए अब आगे इसे हम लोग लिख लेते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया हो गया 9 × 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखें ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल डी ओ ई, साइड रेशियो पता है हमें, ये है 1 तो ये वाला हिस्सा होगा 3, 1:3 के अनुपात में। अगर हम इसे देखें ट्रायंगल ए डी बी को, ट्रायंगल ए डी बी को,
तो और बी डी को हम बेस माने, ट्रायंगल ए डी बी में बी डी को बेस माने, तो इस तीन वाले बेस का एरिया पता है हमें और एक वाले बेस का एरिया नहीं मालूम। तो तीन वाले बेस का एरिया है 9 × 27। और अगर हम ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें, ट्रायंगल ए डी बी का एरिया निकालना चाहें, यानी उसके लिए हमें बेस ए बी डी कंसीडर करना होगा, यानी 4 इकाई। तो 3 इकाई का वैल्यू इतना, तो 1 इकाई का वैल्यू होगा 3 × 27, तो 4 इकाई का वैल्यू होगा 3 × 27 × 4। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल ए डी बी का एरिया आ गया ये। अब हमें निकालना था ट्रायंगल ए डी एफ का एरिया। ए डी एफ का एरिया निकालने के लिए इस ट्रायंगल में से हम ट्रायंगल एफ बी डी के एरिया को माइनस कर लेंगे, यानी उसके लिए हम ए बी बेस के क्रोस्पॉन्डिंग चलेंगे। तो इसमें हमें ये पूरा बेस यानी 9 इकाई का वैल्यू पता है और हमें निकालना है इस 5 इकाई का वैल्यू। तो 9 इकाई का वैल्यू 3 × 27 × 4, तो 1 इकाई का वैल्यू होगा 9 × 4। ठीक है, तो ये 5 इकाई का वैल्यू निकालना है, तो 5 इकाई का वैल्यू 9 × 4 × 5, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी मेथड से कर पाए। इसके लिए बस दो बात चाहिए था कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जो रेशियो होगा उसके वर्ग पर एरिया का रेशियो डिपेंड करेगा, और दो ट्रायंगल और किसी भी ट्रायंगल का एरिया उसके बेस पर डिपेंड करता है। फिर एक बात और ये ध्यान में रखना था कि ये दोनों पैरेलल है और इक्वल है, तो साइड लेंथ भी बराबर करना था, तो यहां पर इसे मल्टीप्लाई किए।